क्वेश्चन देखिए, 13 एक्सरसाइज आपका है। इसमें हमने आपको 1 to 4 क्वेश्चन सॉल्व करने कहा था। अब आगे आपको क्वेश्चन नंबर 5 से यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है, ABC किसी काम को 10, 12 और 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें 13 दिन में, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इन लोग का एक दिन का वर्क निकाल लेते हैं। ABC का एक दिन का वर्क निकाल लेते हैं। हम यहाँ निकालते पहले एस 1 डे वर्क, ये का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, एक दिन का जो वर्क होगा वो हो जाएगा 10 डेज है, तो 1/10 हो जाएगा, इतना वर्क हो गया, ठीक है। इसी तरह 20 1 डे वर्क निकालेंगे, उसका कितना हो जाएगा, बी का जो है यहाँ पे है बी का 1/12 है, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह यहाँ पे C 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, सी का जो 1 डे वर्क है 1/15 है, तो 1/15 वर्क हो जाएगा, ये हो गया। अगर तीनों अगर मिल के काम करें तो तीनों क्या करते हैं, जो तीनों को एक एक दिन का वर्क है उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा A+B+C 1 डे वर्क, एक दिन में उनका कितना वर्क होगा, तो हम क्या करें 1/10 + 1/12 + 1/15 तीनों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमारा आएगा यहाँ पे एलसीएम इसका आएगा 60 और फिर यहाँ पे आएगा आपका 6 + 5 + 15 = 14, ये आपका आ गया, कितना आ गया यहाँ पे, ये आपका है यहाँ पे 15/60 और इसको डिवाइड करिए कितना आ गया, 15/4 यानी हो गया कितना 1/4। तो A+B+C का एक दिन का वर्क कितना आया 1/4, तो इसको आप लिख सकते हो 1/4 वर्क = 1 डे, 1/4 वर्क है ना, 1/4 वर्क = 1 डे, एक दिन का वर्क आया था तीनों का। तो यहाँ पे जो है 1 वर्क कितना हो जाएगा, 1 वर्क अगर करेंगे तो कितना डे लगाएंगे, तो 1 ये 1/4 डिवाइड हो जाएगा 1/4 ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा 4 डेज, ये आपका आंसर, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है ABC किसी काम को मिलकर के 8 आवर में करते हैं, कितने ओवर में करते हैं, 8 आवर में करते हैं। ए और बी उसको 20 और 24 आवर में करते हैं, अगर सेपरेट करते हैं तो कह रहा है हाउ मेनी डेज ही, तो बताइए सी कितने दिन में करेगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि तीनों का एक दिन का जो वर्क उसको कितना है 1/8 वर्क, तो यहाँ लिख लेते हैं A+B+C 1 डे वर्क, 1 डे वर्क कितना, हम दोनों का तीनों का निकाल लेते हैं कितना, तीनों मिलकर किसी वर्क को 8 डेज में करते हैं तो 1 डे में कितना करेंगे 1/8 वर्क करेंगे, ठीक है 1/8 वर्क करेंगे। अब यहाँ पे हम एक ओवर का कितना है, एक ओवर का है एस 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, तो हम दोनों को निकाल लेते हैं सर, ए और बी का दोनों का एक साथ हम निकाल लेते हैं, ए और बी का एक दिन का वर्क कितना होगा A+B, इन दोनों का हम एक दिन का वर्क निकालेंगे तो एक दिन का वर्क कितना है 1/20 और बी का कितना है 1/24, ठीक है, या पे यहाँ पे आ जाएगा इतना। अब हम क्या करते हैं ए और बी का वर्क अगर तीनों के वर्ग में से ए बी का वर्ग माइनस करेंगे तो बचेगा किसका, सी का वर्ग, तो यहाँ पे आप निकाल दीजिए C 1 डे वर्क, सी का 1 डे का वर्क, तो 1/8 टोटल वर्क है, इसमें से 1/20 + 1/24 इन दोनों का वर्क हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आएगा यहाँ पे 1/8 माइनस, और जब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आएगा इसमें, तो ये आएगा यहाँ पे एलसीएम इसका आएगा 120 आएगा और जाएगा 5 + 6 = जाएगा यहाँ पे क्या 1/8 - 11/120, ठीक है = हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 120 और यहाँ पे आएगा क्या 15 - 11 और 15 - 11 आपके यहाँ पे आएगा कितना 4/120, 4 से डिवाइड कर कितना आ गया 1/30, ये आ गया क्या 1/30, सी का वर्ग कितना आ गया 1/30, तो 1/30 ये क्या है, ये इतना वर्क होगा सी ने किया, तो 1/30 वर्क = 1 डे, ये दिन में इतना वर्क करता है तो 1 वर्क कितने दिन में करेगा 1/30 ऊपर चला जाएगा तो जाएगा यहाँ पे 30 डेज, यानी सी उस काम को 30 डेज में अकेले करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है ए और बी किसी काम को जो है 1/16 और 12 डेज में करते हैं,
तो कह रहा है ए जो मतलब वो स्टार्ट करता है और 2 दिन तक वर्क करता है, ए स्टार्ट करता है 2 दिन तक वर्क करता है और उसके बाद फिर जो है 2 दिन बाद बी ज्वाइन होता है। कह रहा दोनों मिलके टोटल कितने दिन में वो पूरा काम उन्होंने फिनिश किया ये पूछा है। तो हम ये निकालते थे ए प्लस बी, ए और बी का दोनों का हम यहाँ पे 1 डे वर्क निकाल लेते हैं, 1 डे वर्क निकाल लेते। तो ए का वर्क कितना है 16 है तो 1/16 और फिर बी का कितना है 12 तो 1/12 हो जाएगा, 1/16 प्लस 1/12 इज इक्वल टू ये कितना आएगा यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा 48 और हो जाएगा यहाँ पे क्या 3 + 4 इज इक्वल टू 7/48 ये आ गया। इतना वर्क उन्होंने किया दोनों अगर मिल के काम करें तो 7/48 वर्क वो लोग करते हैं एक दिन। अब हम यहाँ निकालते हैं लेकिन ए जो है वहाँ 2 दिन वर्क कर चुका है, स्टार्ट ए नहीं किया था ठीक है। यहाँ निकालें एस 2 डेज 2 दिन उसने काम किया है ना तो 2 दिन का वर्क कितना हो जाएगा, ए का 1 दिन का वर्क कितना है 1/16 तो 2 दिन का वर्क तो जाएगा कितना 1/8 वर्क उसने खत्म कर दिया है। तो अब ये बताइए 1/8 वर्क ए ने कम खत्म कर दिया है रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा पूरा वर्क वर्क होता है उसमें से 1/8 माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा 7/8 वर्क ये इतना बचा हुआ है। अब 7/8 वर्क को ए और बी को साथ में करना है 7/8 वर्क। अब ये देखिए 7/8 वर्क ये जो बचा है इसमें जो है कितना 1 डे लगे हुए हैं 7/8 वर्क इक्वल टू 1 डे तो 1 वर्क इक्वल टू 1 वर्क में कितने 1/7/8 इक्वल टू हो जाएगा 8/8 बचा जाएगा 8/7 वर्क सॉरी 8/7 डेज 8/7 डेज। तो कह रहा है यहाँ पे अब यहाँ पे जो है उन्होंने कितना अब देखो ए और बी दोनों मिलकर करते हैं ना तो ए और बी जब मिलकर करते हैं तो 7/48 वर्क करते हैं तो जब 1 वर्ग में जो है 1/8/7 लगाते हैं तो बताओ 7/48 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा 8/7 × 7/48 एक दिन का एक वर्ग था इतना दिन लग रहा था तो जब इतना वर्ग रहेगा तो कितना दिन लगेगा मल्टीप्लाई और 8/7 बेसिस मल्टीप्लाई 7 से 7 कैंसिल और 8/6 = आ गया क्या 1/6 डेज 1/6 डेज आ गया। अब यहाँ पर भी आप ऐसे ही करिए 1/6 डेज 1/6 या ऐसे लिखिए यहाँ पे 1 वर्क = 1/6 डेज 1/5 हो जाएगा यहाँ पे कितना 1/6 डेज 1 वर्क = 1/6 डेज ये काम करने में कितना दिन लगा रहे हैं 1/6 डेज लगा रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे टोटल जो है उन्होंने पूछा कि कितना दिन लगेगा उनको टोटल तो देखो दोनों मिल के काम करते थे 6 डेज लग गए और जब वहाँ पे ए जो है 2 दिन उसने भी लगाया था ए ने भी लगाया था इसलिए टोटल वर्किंग डेज कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल वर्किंग डेज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 + 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 डेज समझ आ गया मतलब वहाँ पे टोटल 8 डेज वहाँ पे लगेंगे समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है यहाँ पे ए जो है किसी काम को 14 डेज में करता है बी उसी काम को 21 डेज में करता है अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो उन्होंने जो है 6 डेज तक काम किया है काम खत्म नहीं हुआ है लेकिन 6 डेज उन्होंने काम किया है। हम यहाँ निकाल लेते हैं ए प्लस बी दोनों का 1 डे वर्क दोनों का एक दिन का वर्क निकाल लेते हैं तो ए का कितना है 1/14 और बी का कितना है 1/21 है ना तो यहाँ एक दिन का वर्क है तो यहाँ पे 6 डेज का कितना हो जाएगा 3 × 6 हो जाएगा पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ये कितना आएगा तो ये हमारा आएगा यहाँ पे कितना 3 + 42 3 + और फिर यहाँ पे जाएगा 2 = हो जाएगा यहाँ पे 5/42 हो गया ये एक दिन का वर्क है तो यहाँ पे दोनों का ए प्लस बीस का 6 डेज का वर्क कितना हो जाएगा 6 डेज वर्क इक्वल टू क्या आएगा 5/42 × 6 6 × 7 = आ गया 5/7 इतना वर्क मतलब यहाँ पे इतना वर्क आ गया उन्होंने 5/7 वर्क कर दिया है।
अब यहाँ पे जब 5/7 वर्क उन्होंने कर दिया तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, तो रिमेनिंग वर्क इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कितना, 1 - 5/7 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 7 - 5 यानी हो जाएगा 2/7 वर्क अभी बचा हुआ है। 2/7 वर्क क्या हुआ यहाँ पे, बचा हुआ है। अब कह रहे हैं यहाँ पे जो बचा हुआ वर्क है अब वहां उसको कौन करेगा, उसको वहां पे जो है कर ए बीमार पड़ जाता है, बाकी काम को जो है कंप्लीट वर्क जो है उसको किसको करना है, बी को। तो बी का निकाल लेते हैं, अब इसे बी का करना, तो बी का हम 1 डे वर्क निकाल लेते हैं, 1 डे वर्क इसको जो बी का कितना हो जाएगा, बी का 1 डे का वर्क कितना है, 1/21। तो देखिए 1/21 अब इसी को देखेंगे, 1/21 वर्क अगर करता है बी तो उसे कितना दिन लगता है, 1 डे तक, 1 दिन लगता है। तो बताइए 1 वर्क करेगा तो 1/21 इसको हो जाएगा 21 डेज हो जाएगा। इसी ने कितना काम बचा होगा, 2/7 वर्क इसको हो जाएगा 21 × 2/7, 7 × 3 = 6। तो यानी बी को जो उस काम को करने के लिए लगेंगे 6 डेज लगेंगे। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है यहाँ पे ये जो है वो किसी काम का 2/3 मतलब पूरा वर्क नहीं, उस काम का 2/3 वर्क कर रहा है वो 16 डेज में, और बी जो है वही वर्क जो है उसका उसी वर्क का 1/4 पार्ट वो 3 डेज में करता है, कहेगा दोनों साथ काम करें कितने दिन में करेंगे। तो ये देखिए फॉर ए के लिए निकालते हैं, फॉर ए के लिए यहाँ पे वो क्या करता है, 2/3 वर्क करता है तो उसे कितने डेज लगते हैं, 16 डेज लगते हैं, कितने लगते हैं 16 डेज। तो उसे जब वो 1 वर्क करेगा तो 1 वर्क = 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 16/2/3 ऊपर चला जाएगा तो 16 × 3/2 इसका जो आएगा 8 × 3 = 24, मतलब उसको कितने दिन लग रहे हैं, लगेंगे ए को पूरा उस काम को कंप्लीट करने में 24 डेज लगेंगे। ठीक है, बी के लिए निकालते हैं ऐसे यहाँ पे, और बी के लिए है ना वो कह रहा है 1/4 वर्क करता है, 1/4 वर्क जो है लगभग करता है तो उसे 3 डेज लगते हैं, कितने लगते हैं 3 डेज लगते हैं, है ना। तो बताइए 1 वर्क करेगा तो 3/1/4 तो इसको हो जाएगा यहाँ पे कितना, 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कितना 3 × 4 = 12 डेज लगेंगे। ए को कितने लगेंगे 24 डेज, बी को कितने लगेंगे 12 डेज, तो यहाँ पे दोनों मिलकर करेंगे तो a+b 1 डे वर्क, 1 दिन का वर्क कितना हो जाएगा, तो 1/24 + 1/12 इस पर यहाँ पे आएगा एलसीएम 24 और फिर हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 + 2 = 3/24 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 8 इस पर आ गया 1/8 वर्क, ये क्या आ गया 1/8 वर्क आ गया। तो यहाँ पे जो है 1/8 वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 डे, 1/8 वर्क इक्वल टू 1 डे, तो 1 वर्क इक्वल टू 1/8 ऊपर चला जाएगा कितना आ जाएगा 8 डेज, यानी 8 डेज में जो है भी मतलब उसको दोनों को मिल करके खत्म करेंगे। ठीक है, यहाँ तक का क्वेश्चन आपका, बस इसके आगे क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वीडियो में।